इंदौर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। दरअसल इंदौर से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई आखिरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंदौर में बैंक कर्मी और पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर ली है। दंपति ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है और अपने माता पिता से माफी मांगी है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ग्रीन व्यू कॉलोनी के आयुष्मान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में रहने वाले मोनू उर्फ सूर्य प्रकाश गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि ने मंगलवार शाम जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल में इलाज के लिए ले जाते दौरान मोनू ने दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर पत्नी अंजलि ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ा। एएसआई अनिल सिलावट के मुताबिक पुलिस को मखाने वारदात से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसे पढ़ने के बाद यही सामने आ रहा है कि टेंशन या डिप्रेशन के चलते दोनों ने यह कदम उठाया। अभी फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच पड़ताल हो रही है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। आप वीडियो में सुसाइड नोट भी देख सकते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि किसी से बात करनी चाहिए और उस समस्या का इलाज निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में आत्महत्या से संबंधित बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो आप 9152987821 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या इन्हें बता सकते हैं, ताकि आप इतना बड़ा कदम ना उठाएं। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।